हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं सोनी बुटिक्स में आप लोग का स्वागत करती हूँ। मैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाजू का महफिल को तैयार कर रही हूँ। दोनों बाजू का डिज़ाइन करूँगी तो उसके लिए फिल तैयार कर रही हूँ। मैं एक बराबर कपड़े को पहले से ही फोल्ड करके प्रेस करके रखा था, तो अब मैं उसको फिल कर रही हूँ। मेरा फिल एक साइड का हो चुका है कपड़े का, अब दूसरा बाजू का मैं फिल को तैयार कर रही हूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँगी। मेरा दूसरा भी बाजू का फिल तैयार हो गया है। दोनों को एक बराबर से दिखा रही हूँ मैं करके। एक बराबर करने से ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी ट्रेंड में ज़्यादा फिल वाला हाथा का ज़्यादा चला है। सब बाजू ज़्यादा सभी पसंद करता है, पहनने से भी अच्छा लगता है। अब मैं इसको दोनों बाजू को अटैच कर रही हूँ। डिज़ाइन को मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। इसको स्टिचिंग करके एक बराबर कपड़े को रखते हुए बराबर से स्टिचिंग कर लेना है, डिज़ाइन इधर उधर ना हो। मैं एक बराबर ही डिज़ाइन को स्टिचिंग कर रही हूँ। आप लोग भी दोस्तों ऐसे ही करिएगा। एक बराबर करके मैं जो बीच में मेरा अस्तर का कपड़ा है उसको मैं छट करके निकाल दूँगी। इस कपड़े को अलग अलग करके मैं जो कपड़ा बेसी है उसको निकाल दे रही हूँ। मेरा डिज़ाइन को पलटूंगी अब इसको। अब इसमें बाजू को पहले इसको दोनों पर मैं चाप सिलाई मार दे रही हूँ अच्छे से बैठ जाए, ताकि देखने भी अच्छा लगे। डिजाइन को अच्छा से मैंने हाथा को खूब चाप सिलाई को दे दी हूँ। मेरा एक बाजू का स्टिचिंग तैयार हो गया है। मैं इसको अब डिजाइन को दोनों को मिलाते हुए अटैच करूँगी दोनों में। मैं नीचे फिल करूँगी और लगाऊंगी, उसके बाद ऊपर से मैं लेस को दूंगी। पहले अस्तर को फोल्ड कर लेना है ऐसे। मेरा अस्तर फोल्ड हो चुका है, मैं फिल को स्टिचिंग कर रही हूँ। मेरा एक बाजू का फिल तैयार हो गया है। अब मैं इसको मोड़ दूंगी ऊपर से, चुन्नट के ऊपर से ऐसे सिलाई मार दूंगी, मार रही हूँ। उसके बाद मैं इस पर लेस अटैच करूँगी। लेस को एक बराबर कट करना है दोनों बाजू का करके। मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, इस पर अटैच कर रही हूँ। मैं दूसरा साइड का भी ऐसे मोड़ लूँगी। डिज़ाइन है तो इसमें मैं बैक से नहीं दूंगी पाइपिंग, इसको मैं ऐसे ही अटैच कर लूँगी। अब इसको जॉइंट करना है। मैंने